खबर मंदसौर से। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मंदसौर में चुनावी संघवाद करने के लिए पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय ने यहां कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के गुरु मंत्र दिए। कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद विजयवर्गीय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी 24 सीटें जीतेंगी। मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा में कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए हरदीप सिंह डंग है। हरदीप सिंह डंग ने सबसे पहले कांग्रेस से बगावती तेवर दिखाकर पार्टी से इस्तीफा दिया था। मीडिया से चर्चा में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल तकनीक के जरिए मतदाताओं तक पहुंचेगी और चुनाव जीतेगी। कैलाश विजयवर्गीय ने चीन के मुद्दे पर कहा कि भारतीय सेना किसी भी मुकाबले के लिए तैयार है, अगर युद्ध हुआ तो भारतीय सेना अपना दमखम दिखाएगी। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल पीएम से सवाल पहुंचकर दुश्मन देश को फायदा पहुंचा रहे हैं, यह उनकी बचकानी हरकत है और असमय अपराध है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सवाल पूछने पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पेट्रोल डीजल की दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर चलते हैं और उस पर कांग्रेस के समय भी भाव बढ़ते हैं। जब बाजार बढ़ता था और भाव घटते भी थे, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव घटते थे, इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। मंदसौर से संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। टिकट बंटने का टिकट तो पहले से टिक ले रहे। सर जेपी नड्डा जी ने ट्वीट किया है भारत देश को लेकर, उन्होंने राजीव गांधी उसमें डाइवर्ट किया था, ऐसा क्या चीज़? देखिए ये बहुत शर्म की बात है कि चाइना से लड़ाई भारत की हो रही है, चाइना से लड़ाई मोदी जी की नहीं हो रही। मोदी जी से प्रश्न पूछना और ऐसे प्रश्न पूछना जिससे जिसका लाभ हमारे दुश्मन देश को पहुँचे, यदि ऐसे प्रश्न अगर कोई राजनीतिक दल का नेता पूछता है तो उसके बारे में क्या टिप्पणी करना है, इसका निर्णय आप स्वयं करिए। क्योंकि यह चाइना से लड़ाई 130 करोड़ देशवासियों की है, चाइना से लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे देश के सैनिक सीमा पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, अपने प्राणों की बिना चिंता किए। ऐसे समय में यदि राजनीतिक दल को राजनीति सूझे, मैं समझता हूँ इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है, ये बड़ी ना समझी है और ये बचकाना हरकत है राहुल गांधी की और अक्षम्य अपराध है। सर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का आपने मुझे स्पीच जो देखिए, ये तो प्रमाण मिला है, दस्तावेज है उसके उपलब्ध कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चाइना एम्बेसी से पैसा लिया है और वो उसके प्रमाण भी है और वह किसी एक सर्वे के नाम पर लिया गया है। अब ये एक जांच का विषय है कि काय का सर्वे किया, कैसा सर्वे किया उन्होंने, उन्होंने चाइना इंडो चाइना रिलेशन के संबंध में सर्वे किया, इसके लिए एम्बेसी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चुना, अब ये बहुत सारी शंका को जन्म देता है और इसलिए राहुल गांधी फाउंडेशन से जुड़े हुए लोगों को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। लास्ट में सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे, प्रदेश में 24 सीटों में चुनाव हो रहे हैं, अभी आपने हरदीप सिंह डंग को भी जिताने की बात कही है, ये पीछे हालांकि आपकी से अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन क्या लगता है जैसा कि आप जैसी शख्सियत इस बात को जीतेंगे 100%? सर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो टल रहा है और जब भी आपसे सवाल किया जाता है किसी संगठन के कार्यकर्ता से तो वो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री के विषय का मामला होता है, लेकिन इसके संदर्भ में संगठन भी लगातार बैठ के करता रहता है, तो क्या सामंजस्य नहीं है सरकार और संगठन के बीच में? आप कुछ भी माने पर जिस दिन हमको करना होगा हम करेंगे और निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है, पर इस पे जो एक होमवर्क होता है वो होमवर्क करीब करीब हो गया है, प्रतिशीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर काफ़ी प्रदर्शन हो रहा है, आप क्या कहते हैं? देखिए पेट्रोल और डीजल के भाव
हमेशा अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निश्चित होते हैं, और इसलिए कांग्रेस के समय में भी बढ़ते थे जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार बढ़ता था, भारतीय जनता पार्टी के समय भी बढ़ रहे हैं जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार बढ़ रहा है। इसलिए इस पर राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है, जनता भी अब समझने लगी है। सर, मध्य प्रदेश में एकाएक बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम, खासतौर पर नाराजगी मध्य प्रदेश में देखी जा रही है, क्योंकि एकाएक मध्य प्रदेश में ज़्यादा तेजी से बढ़ गया। नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, पहले से ही मध्य प्रदेश में टैक्स ज़्यादा है, टैक्स नहीं बढ़ाया है मध्य प्रदेश ने, पहले से ही अन्य राज्यों की तुलना में दिग्विजय सिंह जी के ज़माने से टैक्स ज़्यादा है। सर, प्रदेश में महाराज अब आपके साथ है, भाजपा में क्या उनकी जिम्मेदारी रहेगी? अब ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व उसका तय करेंगे। हल्के प्रश्न मुझे पता भी नहीं, और पूछो ही मत यार, तुम कोई अच्छे प्रश्न पूछो यार, मैं राष्ट्रीय महामंत्री और पोस्टर का प्रश्न पूछ रहा हूँ। शेखावत जी ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, राजेश अग्रवाल जी की वापसी, किसने बोल दिया? विशेष परिस्थिति नहीं, ऐसे समय में हम भारतीयों का दायित्व है, सरकार के भरोसे नहीं, हम भारतीयों का दायित्व है, भारतीय होने के नाते हम भारतीय उत्पादन का उपयोग करें और हमारे कम से कम दुश्मन देश के प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करें, ये हमें कम से कम इस बात पर विचार। लेकिन आपको लगता है कि आयात नीति में इस वार के बाद परिवर्तन होगा, उसके कुछ संकेत हैं? मैंने पहले ही कह दिया आपको कि जब भी कोई विश्व स्तर पर राज्य की समझौते होते, सरकारें भले ही बदल जाए, वो समझौते कायम रहते, पर विशेष परिस्थिति में ऐसे समझौते तोड़े जा सकते। सर, अभी इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, पर कभी अवसर आया तो हो सकता। सर, एक छोटी सी एक युद्ध को लेकर बात कहीं ना कहीं होती कि हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे या हम तो युद्ध में सक्षम है। आपने भी अभी अपनी स्पीच में भी कहा कि हम देश के लाल है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी सेना किसी से कम पड़ती, सारी चीज़ें अपनी, लेकिन क्या ये देश युद्ध के लिए तैयार है 100%? यदि कोई हम पर आंख दिखाएगा, हम झुकने वाले नहीं, और हमारी हौसला, हमारी सेना के हौसले बहुत बुलंद हैं, और मैं बहुत गंभीरता से और बड़ी जवाबदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सेना के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, इसलिए सेना का आत्मबल बहुत बड़ा हुआ है, और इसलिए हमारी सेना विश्व की किसी भी सेना से कमज़ोर नहीं। सर, राहुल गांधी जो भी लगातार स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, आप उनके लिए क्या सजेस्ट करें? बचकाना, क्योंकि जब लड़ाई देश की देश से हो रही है, ऐसे समय में ऐसे प्रश्न पूछना जिससे हमारे दुश्मन देश का फायदा हो, मैं समझता हूँ ये नासमझी से, ये सिर्फ नासमझी है और गैर जवाबदार बयान। आपने एक बात उठाई थी कि राहुल गांधी जो हैं वो यहाँ प्रश्न पूछने के पैसा लेते हैं, आपने मुझे स्पीच जो हुई थी, आपने कहा था कि पैसा लिया है उसी, देखिए ये तो प्रमाण मिला है, दस्तावेज है उसके उपलब्ध कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चाइना एम्बेसी से पैसा लिया है। और लॉकडाउन कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि जो 24 सीटें हैं और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपको पालन करना है और सीटें भी जीतने का आप दावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पहली बात तो है कि 24 सीटें ही जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास पोलिंग बूथ तक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है और डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, और इसलिए हमें इस बात का विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता जब जहां जिस मोर्चे पर लगा दिया जाता है वहां ईमानदारी से काम करते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान पूरे समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सब लोग सक्रिय रहे, और वर्चुअल रैली के माध्यम से हमने जनता से भी बात की है। मैं सिर्फ आपको एक दो उदाहरण बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों अमित शाह जी की बंगाल में रैली हुई, 2 करोड़ लोगों ने लाइव फेसबुक पर यूट्यूब पर देखा, अपने आप में रिकॉर्ड है। एक्चुअल रैली में भी कभी एक रैली को 2 करोड़ लोग नहीं देख पाते हैं, पर सिर्फ वर्चुअल रैली को 2 करोड़ लोगों का कनेक्ट होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कल नड्डा जी जब मध्य प्रदेश में वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे थे, एक समय में 33 लाख लोग सीधे ऑनलाइन उनको सुन रहे थे, ये तो सिर्फ हमारा पूरा नेटवर्क की संख्या बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई यदि हम इसको करेंगे तो इसमें 1-1 करोड़ लोगों ने कल नड्डा जी को सुना होगा। तो ये जो नई तकनीकी के माध्यम से हम जनता तक और कार्यकर्ता तक पहुंच रहे हैं, यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है और कोई राजनीतिक दल नहीं पहुंच रहा,
और इसलिए इस तकनीकी का हमने लाभ उठाया और कोई भी कार्यकर्ता कहीं पर भी फ्री नहीं है। मतलब मैं प्रतिदिन 4 से 6 घंटे वेबिनार पर रहता हूँ, कभी दिल्ली बात करते हैं, कभी बंगाल के लोगों से बात करते हैं, कभी महाराष्ट्र के लोगों से बात करते हैं, कभी पार्टी कोई मिशन दे देती है हम उस पर बात करते हैं, कभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश के सारे सांसद और विधायकों से मैंने चर्चा की। तो एक बात बताइए, चाइना को लेकर अभी जो विरोध चल रहा है, ऐसे में एक तरफ आवाज़ आ रही है कि चीन का जो माल है उसका बहिष्कार किया जाए, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में चीन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडस्ट्री से लेकर आम घर तक पहुँचे हैं, इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, दो प्रकार की बातें हैं इसमें। अच्छा प्रश्न है। आज लगभग 5 लाख करोड़ का माल चाइना से हमारे यहाँ आता है और हमने देखा है कि धीरे 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 कर हमारे यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज बंद हो गई। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊँ, टार्च, एवरेडी टार्च, एवरेस्ट टार्च, जैसे बहुत सारे टार्च की हमारे यहाँ आजकल बैटरी सेल वगैरह सब चाइना से आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे उद्योग बंद हो गए। हमें अपने यहाँ के उद्योगों को प्रारंभ करना चाहिए। चाइना से वो सामान आयात जरूर कर सकते हैं जो यहाँ पर आकर वैल्यू एडिशन के लिए आवश्यक है हमारे लिए, बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें जिसका उत्पादन हम यहाँ कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल वोकल और साथ में लोकल को ग्लोबल करने का एक नारा दिया है। मैं समझता हूँ जो भी आज ग्लोबल है वो पहले लोकल थी, तो हमें अपने यहाँ के लोकल मार्केट को हम ग्लोबल कैसे कर सकते हैं इस बारे में हमें विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से आज आवश्यकता इस बात की है कि हम हमारे उत्पादन, हमारे देश के उत्पादन पे ज़्यादा विशेष ध्यान दें, भले ही थोड़ा महंगा हो पर हमारे देश का उत्पादन ही खरीदें। आप ये मानते हैं कि सर चाइना का जब तक प्रोडक्ट पूरी तरह बैन हो उसके पहले हमें हमारा प्रोडक्ट लॉन्च कर देना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ की जो सरकार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया का नाम होता है, किसी की भी सरकार हो, जब हमारे दो देशों के बीच में कोई समझौते हो जाते हैं या विश्व स्तरीय कोई समझौते हो जाते हैं तो सरकार बदलने पे वो समझौते कैंसिल नहीं होते। हमारे विश्व स्तरीय ट्रेड के समझौते हैं तो हम शासकीय लेवल पर कोई इस प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति नहीं। एक मिनट, मेरा प्रश्न हो जाए, जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति नहीं, ऐसे समय में हम भारतीयों का दायित्व है। और लॉकडाउन कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि जो 24 सीटें हैं और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपको पालन करना है और सीटें भी जीतने का आप दावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पहली बात है कि 24 सीटें ही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास पोलिंग बूथ तक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है और डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है और इसलिए हमें इस बात का विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता जब जहाँ जिस मोर्चे पर लगा दिया जाता है वहाँ ईमानदारी से काम करते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान पूरे समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सब लोग सक्रिय रहे और वर्चुअल रैली के माध्यम से हमने जनता से भी बात की। मैं सिर्फ आपको एक दो उदाहरण बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों अमित शाह जी की बंगाल में रैली हुई, 2 करोड़ लोगों ने लाइव फेसबुक पर, यूट्यूब पर देखा, अपने आप में रिकॉर्ड है। एक्चुअल रैली में भी कभी एक रैली को 2 करोड़ लोग नहीं देख पाते हैं पर सिर्फ वर्चुअल रैली को 2 करोड़ लोगों का कनेक्ट होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कल नड्डा जी जब मध्य प्रदेश में वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे थे, एक समय में 33 लाख लोग सीधे ऑनलाइन उनको सुन रहे थे। ये तो सिर्फ हमारा पूरा नेटवर्क की संख्या बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई यदि हम इसको करेंगे तो इसमें 1-1.5 करोड़ लोगों ने कल नड्डा जी को सुना होगा। तो ये जो नई तकनीकी के माध्यम से हम जनता तक और कार्यकर्ता तक पहुँच रहे हैं, यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पहुँच रही है और कोई राजनीतिक दल नहीं पहुँच रहा, और इसलिए इस तकनीकी का हमने लाभ उठाया और कोई भी कार्यकर्ता कहीं पर भी फ्री नहीं है। मतलब मैं प्रतिदिन 4 से 6 घंटे वेबिनार पर रहता हूँ, कभी दिल्ली बात करते हैं, कभी बंगाल के लोगों से बात करते हैं, कभी महाराष्ट्र के लोगों से बात करते हैं, कभी पार्टी कोई मिशन दे देती है हम उस पर बात करते हैं, कभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश के सारे सांसद और विधायकों से मैंने चर्चा की। तो